लव्स आई मीन हे लवली पीपल, आई होप दिस टाइम गर्ल्स विल क्लिक ऑन माई वीडियो. तो बॉयज को बटरफ्लाईज हमेशा क्यूटेस्ट चीज़ों से आते हैं, दे लव क्यूटनेस. और सो आई एम गोइंग टू टेल यू वट यू डू दैट सीम्स क्यूट टू हिम एंड ही गेट्स बटरफ्लाईज इन हीज स्टमक. नंबर वन, वेन एवर यू रिक्वेस्ट समथिंग, मतलब आप उनको कुछ भी करने को कहो और आपने ये फेस बना दिया लाइक प्लीज ऐसा, दिस लिप थिंग इट मेल्ट हीज हार्ट. नंबर टू, टेल हिम हाउ मच ही मीन्स टू यू. बॉयज़ हमेशा ट्राई करते हैं गर्ल्स को स्पेशल फील कराने का, उनकी तारीफ करते हैं, बट गर्ल्स इतना ये चीज़ें नहीं करती हैं. सो गर्ल्स प्लीज़ ट्राई डूइंग दिस. उनको अगर आप पैराग्राफ्स लिखोगे, भर भर के उनकी तारीफें करोगे या ये बताओगे कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं, तो ही विल बी स्पीचलेसली हैप्पी. और यस, अगर आप उनके एफर्ट्स को भी रिकॉग्नाइज कर लोगे ना, तो भी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. नंबर थ्री, प्रपोज हिम इफ़ यू लव हिम. हर बंदे का एक सपना होता है कि उसकी लव स्टोरी में गर्ल उसको प्रपोज करे. तो कुछ लोग तो वेट भी करते हैं कि ये अब बोलेगी, ये अब बताएगी, लेकिन अगर आप उन्हें पसंद करते हुए भी फीमेल ईगो दिखाते हुए फर्स्ट मूव नहीं लेती हो, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती है. और जब आप फर्स्ट मूव लेती हो तो दे फील हैप्पी एंड दे फील एक्सट्रीमली हैप्पी कि उनको किसी गर्ल ने प्रपोज किया करके, बिकॉज ये बहुत रेयर चीज़ है. नंबर फोर, टॉक टू हिम व्हेन ही इज़ सैड. जब गर्ल्स को मूड स्विंग होते हैं तो रैंडम गाइज जिसको वो जानती भी नहीं है, वो भी उनको कंसर्न जताते हैं कि उदास मत हो क्यूटी, सैडनेस तुम्हारे चेहरे पे जचती नहीं है. लेकिन जब कोई बंदा उदास होता है तो रैंडम गर्ल्स का पूछना तो दूर की बात है, उसकी खुद की गर्लफ्रेंड उससे ठीक से नहीं पूछती है. उल्टा ये समझती है कि तुम तो आजकल मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हो, मुझे अटेंशन ही नहीं देते हो, तुम ना मुझसे प्यार नहीं करते हो. अरे भाई, उसे पूछ तो सही कि वो क्यों ऐसे चुप चुप है, वो क्यों उदास है. अगर वो नहीं बताना चाह रहा है तो फोर्स मत करो, बट एटलीस्ट उसकी उदासी दूर करने की कोशिश तो करो. उसको यही जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि कोई तो है जो उसके मूड्स पे ध्यान देती है और उसके उदास होने पे उसको फ़र्क पड़ता है, तो वो कोशिश करती है उसको खुश करने का. ऐसे उसको भी तो कितना अच्छा लगेगा सोचो. नंबर फाइव, क्लिक हिज पिक्चर्स विदाउट हिज परमिशन. थोड़ा इलीगल साउंड कर रहा है, बट तुम्हारा ही माल है यार, करो करो. और ऐसे नहीं करना कि क्लिक करने के बाद फिर वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, नहीं. उसको ही दिखाओ, उसके लिए रील बना के या एडिट करके कोलाज टाइप बना के उनको दिखाओ. और खुद की ऐसी अनसीन पिक्चर्स देखकर उसको ऐसे सेलिब्रिटी टाइप का फील होगा एंड ही विल श्योरली गेट बटरफ्लाइज. नंबर सिक्स, रैंडम विंग्स, स्पेशली व्हेन इट्स नॉट योर यूजुअल बिहेवियर. तो चार लोग के बीच में सबकी नज़रों से बच के अगर आपने उसको आँख मार दिया तो इससे ज़्यादा बटरफ्लाइज और क्या ही देगा उसको. ही माइट गेट नर्वस शाय, बट अच्छा लगेगा उसका. नंबर सेवन, व्हेन ही क्या बोल रही है, नंबर सेवन, ही गेट्स बटरफ्लाइज व्हेन यू ट्राई न्यू थिंग्स फॉर हिम. चाहे आपकी नई नई फैंटेसीज बना के उन्हें भेजना हो, या कोई न्यू ड्रेस, कोई न्यू स्टाइल का ड्रेस ट्राई किया हो आपने उनके लिए, या उनके लिए कुछ प्रिपेयर किया हो लाइक पोइट्री या डांस, वट एवर यू डू फॉर हिम पहली बार, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. ही विल श्योरली गेट बटरफ्लाइज. नंबर एट, ही गेट्स रियली नर्वस व्हेन यू सिट क्लोज टू हिम. क्योंकि उन्हें लगता है कि ये यूं ही तो नहीं आके बैठी होगी मेरे इतने पास. फिर उसके दिमाग में, उसके पेट में जो इतने सारे ख्याल आते हैं ना कि क्या करूँ मैं, कुछ बोलूँ इसको, हलचल पूछूँ, ऐसे ही बैठा रहूँ या थोड़ा खिसक के बैठ जाऊँ, ये क्या सोच रही होगी, अगर मैं कुछ करूँगा तो क्या सोचेगी, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो क्या सोचेगी, कुछ कहूँगा तो क्या सोचेगी. अब इतनी सारी चीज़ें उसके स्टमक में इतने सारे बटरफ्लाईज दे जाते हैं कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन. और अगर यार अगर उसको नहीं अच्छा लगेगा तो वो खुद ही उठ के चला जाएगा. सो डोंट वरी, यू आर नॉट फोर्सिंग हिम टू गेट बटरफ्लाईज. इफ़ यू हैव मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू माई नीश, देन फील फ्री टू सजेस्ट इन कमेंट्स, आई रीड ऑल ऑफ देम. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू और यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम दिस वीडियो. बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार. बाय.